अभी आपको ब्रेकिंग दें, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक अदम एतमाद मुस्तद होने से मुतालिक अस्कुद केस की समाप्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। डेप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी करार दे दी गई है। आपको बड़ी और अहम खबर से मुतालिक अपडेट कराए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। डेप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी करार दे दी गई। पांच रुकनी बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। डेप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की रूलिंग गैर आइनी करार दी गई। आज जब दलाल दिए गए बाबर आवान पेश हुए तो चीफ जस्टिस साहब बार बार ये सवाल उठाते रहे कि आखिर ये बताया जाए कि ये रूलिंग कैसे दे दी गई, डेप्टी स्पीकर की रूलिंग कैसे आईनी हो सकती है, डेप्टी स्पीकर कैसे ये तमाम तर मामलात में ये कह सकते हैं कि मैं मुस्तरद करता हूं। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने से मुतालिक अब खुद नोटिस केस की समाप्त हुई है। 7:30 बजे फैसला सुनाना था, फैसला 8:30 बजे सुनाया गया है। चीफ जज साहबान ने फैसला सुना दिया। जज का कहना है कि रूलिंग जो है वो गैर आइनी है। डेप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी करार दे दी गई। तहरीके अदम एतमाद जेरे इल्तवार रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का असेंबली तहलील करने का हुक्म गैर आइनी करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रूलिंग जो है गैर आइनी करार दे दी गई है। असेंबली बहाल रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऐसा कहना है। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने से मुतालिक अज खुद नोटिस की केस की समाप्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। डेप्टी स्पीकर की रोलिंग गैर आइनी करार दे दी गई। तहरीक अदम एतमाद जेरे इल्तवा रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का असेंबली तहलील करने का हुक्म गैर आइनी करार। असेंबली बहाल रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। नई इंतहाबात का हुक्म करादम करार दे दिया गया। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने से मुतालिक आज खुद केस की समाप्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तहरीक अदम एतमाद जेरे इल्तवा रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का असेंबली तहलील करने का हुक्म गैर आइनी करार दे दिया गया। असेंबली बहाल रहेगी। नई इंतहाबात का हुक्म कलदम करार दे दिया गया। असेंबली की कार्रवाई